अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रंगे जिंदगी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशपाश होंगे। अल्लाह हम सबको सेहत वाली जिंदगी अता करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं आइस्ड कॉफी, बहुत ही जबरदस्त सी और बहुत ही आसान सी। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। यहाँ पे मैंने लिया है आइस क्यूब्स, 2 टेबलस्पून हम कॉफी के यूज करेंगे, 1 टीस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है, 1/4 कप हम कंडेंस मिल्क का लेंगे और 1 जग हम लेंगे दूध का। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और कॉफी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉफी के अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मिल्क का और इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है ताकि कॉफी जो है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने कॉफी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम जग में ऐड कर देंगे मिक्स की हुई कॉफी को, 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क। आप चाहे तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, मगर कंडेंस मिल्क से इतना मीठा और इतना ज़बरदस्त क्रीमी सा टेस्ट आता है कि हमें कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यकीन जानिए इतनी क्रीमी बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें अब हम ऐड कर देंगे आइस क्यूब्स, 1 जग हम दूध का ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 लोगों के हिसाब से बनाई है। आप इन्हीं सब चीज़ों को डबल करके ज़्यादा अफराद के लिए भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी से कितनी ज़बरदस्त बन गई है। आइस क्यूब मस्ट है, इसमें आइस क्यूब से बहुत ज़बरदस्त और मज़े का टेस्ट आता है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे 2 मिनट तक। जो लोग कॉफ़ी लवर्स हैं वो इसको लाजमी ट्राई करें, गर्मियों में बना के पिए। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, ठंडी ठंडी सी। मुझे तो कॉफ़ी बहुत पसंद है, मैं तो इसको रोज़ बना के पीती हूँ। आप ये देख सकते हैं वाओ कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कॉफ़ी रेडी हुई है। आप ये देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और कितना ज़बरदस्त आया है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आप ये देख रही हैं कितना ज़बरदस्त है इसका टेक्स्चर तैयार हुआ है। हाँ जी जनाब, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कोको पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लाइक करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जी आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त से हमारी कॉफ़ी रेडी है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। फीडबैक के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।